आज मुझे किसी ने कहा कि मतलब मैं बाइक चलाता ही हूँ तो अपने कुछ स्किल्स दिखाऊँ, मतलब इन द सेंस कि कुछ बर्नआउट, कुछ विलीज, कुछ ड्रिफ्ट लाइक दिस एंड हाई स्पीड वगैरह वगैरह। तो पहले तो मैंने सब सुना, मैंने कहा ठीक है चल कोई नहीं बोलने दे। नॉर्मल बात यह है कि मुझे ये सब ठीक है करना, इतना मुश्किल भी नहीं होता है, कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं वो सब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट ये है कि मैं राइडिंग करने का मतलब सिर्फ इतना जानता हूँ कि जितनी भी स्पीड पे मैं हूँ, जैसे भी मैं चलाऊँ, सॉरी, हाउ मच आई सेफली राइड, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट्स रियल राइडिंग, द रियल डेफिनेशन फॉर मी। सो और जब तक मेरे पास पूरे राइडिंग गियर्स नहीं होंगे ना, तब तक मैं ये कुछ स्टंट्स विलीज नहीं करने वाला। आप तो सोचोगे कि यार ये अपाचे में ही करने की बात कर रहा है, यार करने के लिए करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है नहीं कर सकते। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अनडिस्क्राइबेबल। बैक टू ऋषिकेश, सी घर से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था यार, गाँव छोड़ने का मन नहीं करता कभी भी, भले ही वो नेटवर्क कम हो, व्हाट्सएप चल बहुत कम चल पाता है, बट फिर भी मज़ा बहुत आता है यार गाँव में, कुछ भी बोल लो, ऐसा लगा नहीं कि 4-5 दिन रुका मैं वहाँ, लगा बहुत दिन रहा पर फिर भी जाने का मन नहीं करता। रेन प्लस राइड, वाओ वाओ फैक्टर हो जाते हैं मेरे लिए तो, ये वाओ। लोग निकल गए गाय छुआने इन जंगलों में, मैं भी जा रखा हूँ यार एक दो बार, मतलब इस एज पर भी अभी भी, अपने दोस्त के साथ गया था कल परसों, एंड पहले बचपन में जब रहते थे यहाँ तब भी जाता था, बचपन रहते तो क्या था, छुट्टी पे आते थे ना तब मज़ा आ जाता था, दिन कब कटता था पता ही नहीं।